क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस स्मॉल बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स दैट कंटेन 5 जेलीज एंड 3 चॉकलेट्स. तो वो कह रहे हैं जमील चूजेस 3 स्वीट्स एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स. जमील ने 3 स्वीट्स चूज की फ्रॉम अ बॉक्स. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जितनी उसने जेलीज सेलेक्ट की. ऑब्वियसली 0 जेलीज, 1 जेलीज और 2 जेलीज और 3 जेलीज. तो 0 जेलीज का मतलब है कि 5 में से कोई भी जेली नहीं आएगी और 3 में से 3 चॉकलेट आएंगी. डिवाइड करना पड़ेगा 8C3 से क्योंकि प्रोबेबिलिटी है. 8C3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि टोटल इवेंट ये कहता है टोटल 8 हमारे पास कैंडीज हैं, उसमें से मुझे 3 उठानी है. एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कि 1 आ जाएगी जेली 5 में से और चॉकलेट 2 आएंगी. डिवाइड में वही 8C3 आएगा. और एक्स इक्वल टू 3 का मतलब है कि सारी की सारी जेली जाएंगे, चॉकलेट नहीं आएगी. पर वो कह रहे हैं अ फेयर 3-साइडेड स्पिनर, अ फेयर 5-साइडेड स्पिनर. वो कह रहे हैं दोनों को स्पिन किया गया एक दफा. कह रहे ईच स्पिनर द नंबर ऑन द साइड ऑन विच इट लैंड्स इज नोटेड. द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इफ दे आर डिफरेंट एंड देयर कॉमन वैल्यू इफ दे आर सेम. तो लार्जर वैल्यू लिखते हैं एक्स के बराबर या फिर सेम वैल्यू लिखते हैं. तो दो स्पिनर हैं हमारे पास. तो वो कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 3 चाहिए. तो एक्स इक्वल टू 3 का मतलब है या तो 3 लार्जर हो या सेम हो. तो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू पहले स्पिनर की है और दूसरी वैल्यू दूसरे स्पिनर की है. तो 3,3 का मतलब है फर्स्ट पे भी 3 आए सेकंड पे भी 3 आए. 3,1 का मतलब है फर्स्ट पे 3 आए सेकंड पे 1 आए. 3,2 का मतलब है फर्स्ट पे 3 आए सेकंड पे 2 आए. 1,3 का मतलब है फर्स्ट पे 1 आए और सेकंड पे 3 आए. ये 1/15 क्यों है? क्योंकि टोटल 15 पॉसिबिलिटीज किस तरीके से बन रही हैं. भाई 3 आने की पहले में से आएगा 1/3 और अगले में से 3 आएगा 1/5. मल्टीप्लाई कर दिया. आप चाहें तो इस तरह टेबल भी बना सकते हैं कि लार्जर वैल्यू लिखी जाएगी और बराबर पे बराबर वैल्यू लिखी जाएगी. तब आप बता दें इसमें से कौन सा आंसर है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं तो आंसर्स हमारे पास क्या हैं? या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है. उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है सिर्फ. तीसरे में एक्सपेक्टेशन मांगी है वो तो बड़े आसान तरीके से आ जाती है. थर्ड पार्ट में वेरिएंस मांगा है तो वेरिएंस का वही तरीका है जैसे पहले निकलता था. सिग्मा एक्स स्क्वायर पी सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू पी इससे भी निकल सकता है या फिर आप सिग्मा एक्स स्क्वायर पी माइनस सिग्मा एक्स पी का होल स्क्वायर उससे भी कर सकते हैं.
तो आप ये फॉर्मूला देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स पी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ये तरीका भी है कि सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी। उसके लिए आप करते क्या हैं कि म्यू आपके पास निकला हुआ है ना, मीन 7/3, तो हर एक्स की वैल्यू में से आप निकालें एक्स माइनस 7/3, तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे, उनका स्क्वायर करना एंड देन उनके स्क्वायर्स को पी से मल्टीप्लाई करना एंड देन उनको ऐड करना, तो आपके पास वेरिएंस मिलेगा। तो आप जरा देखें किस तरीके से होगा कि जनाब मैंने एक्स माइनस म्यू कर दिया, एक्स माइनस म्यू का मुझे फिर स्क्वायर भी करना है और फिर उसको पी से मल्टीप्लाई करना तरीके से भी कर सकते हैं आप। दोनों तरीकों से वेरिएंस वही आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका रूट ले लें,